दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है ओम पटलेसर 009, ये जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, जितनी भी प्राइवेट वैकेंसीज हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम है, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, जितनी भी भर्ती मतलब नौकरी के लिए जितनी भी भर्ती परीक्षा होती है, और अच्छे कोर्स नीट, JEE, PNST, PVFT, जितनी भी तरह की इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, इंट्रेंस एग्ज़ाम उनको बोलते हैं जिसमें कोर्स में सिलेक्शन होता है, कोर्स के लिए कर, जैसे कि PVST है, नीट है, JEE है, ये इंट्रेंस एग्ज़ाम कहलाते हैं। और जितने भी बैंक, रेलवे, SSC, पुलिस, जितने भी राज्य स्तर की, केंद्र स्तर की है ना, सेंट्रल वाली, स्टेट वाली, सभी यानी MP स्टेट और जो दूसरे मतलब जो सेंट्रल है, दूसरे स्टेट की हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, MP स्टेट प्लस सेंटर की जो नौकरियाँ हैं उनकी सारी वैकेंसीज, सारे नोटिफिकेशन, सारा इंट्रेंस और रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का जो भी कुछ आता है, नोटिफिकेशन आता है, या उनकी जो डिटेल आती है, जो भी जानकारी आती है, जो भी उनके बारे में है, इस चैनल पर हम बताते हैं। हमारा ये चैनल काउंसलिंग वाला चैनल है, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए चैनल है। इसमें हम, क्योंकि हम साथ हमारा कोचिंग भी है, तो हम कोचिंग के दूसरे हमारे चैनल्स हैं उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। कोचिंग के चैनल पर हमारा 9th 6 से 8 तक का एक, इसी नाम से ओम पटलेसर 6 to 8 का एक चैनल है, ओम पटलेसर 9 to 10 का चैनल है, ओम पटलेसर 11-12 का चैनल है, हमारा एक टाइम लिमिटेड कंडीशन का भी चैनल है, एक हमारा जीवन की सीख यानी जीवन की समझ का भी चैनल, तो ऐसे 6 चैनल हम ऑपरेट करते हैं। हमारा ये चैनल काउंसलिंग वाला चैनल है, मोटिवेशन प्लस काउंसलिंग का, मेन मुख्यतः काउंसलिंग का है। हम इसमें यही बताते हैं कि बच्चे को मतलब कौन कौन सी एग्जाम्स जो है 12वीं के बाद वो कौन कौन सी एग्जाम्स दे सकता है, करियर काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग का यानी जो है वो है कि 12वीं 22 वाले कौन कौन से विषय मतलब क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, मैथ्स वाला कौन कौन सा कोर्स कर सकता है, BA वाला क्या कर सकता है, एग्रीकल्चर वाला क्या कर सकता है ना, कॉमर्स वाला क्या कर सकता है, इस तरह की बातें हम यहाँ पे करते हैं, मतलब काउंसलिंग वाली बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा जो है कौन कौन सी एग्ज़ाम, जैसे नवोदय का एग्ज़ाम्स होता है, मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल के, मिडिल लेवल के, उनका जो नेशनल कम मींस का पेपर होता है, NTSC का पेपर होता है, ठीक है, ये इस तरह की जितनी भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होती है उसकी सारी जानकारी, मतलब सारा कुछ काउंसलिंग, मतलब आपके से संबंधित स्टूडेंट यानी जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई लाइफ संबंधी जो लोग हैं, उन लोगों के लिए चैनल है। और सारी अपडेट इसमें हम डालते रहते हैं, जब भी कुछ नया आता है, चाहे वो कोई छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का पेपर हो, चाहे जैसे कि मैंने कहा कि नेशनल कम मींस है, NTSC 12वीं में होता है, एंड नेशनल कम मींस जो है 9वीं 8वीं बेस पे होता है, ठीक है, नवोदय का एग्ज़ाम होता है, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है, श्रमोदय, ज्ञानोदय का जो एग्ज़ाम होता है 6वीं लेवल पर 8वीं लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है, 5वीं लेवल पर 6वीं के लिए, 8वीं लेवल पर 9वीं के लिए जो एग्ज़ाम होता है, ऐसी तमाम तरह की, और जितनी भी रिक्रूटमेंट मतलब व्यापम के द्वारा या अन्य विभाग के द्वारा वैकेंसी निकलती है, ANM है, GNM तो खत्म हो गया है, PNST, BSc नर्सिंग है, PVFT वेटनरी कोर्सेज हैं, है ना, फिशरी कोर्सेज हैं, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, ऐसे जितने भी कोर्सेज हैं, है ना, नीट का एग्ज़ाम कब होगा, कितने नंबर का होता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती है, JEE का एग्ज़ाम कब होता है, क्या कटआउट जाता है, क्या सारी चीज़ें, सारी चीज़ों का इस तरह का जो काउंसलिंग वाला काम है वो इस चैनल का काम होता है। तो ये सारी जानकारी आपको मिलती है, तो इसलिए हमारे ये वीडियोज़ को आप लाइक कर लिया करें, और हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ, घंटी के साथ में, बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी जानकारी आपको जो है हमेशा अपडेट रहें आप, और बिल्कुल सटीक और सही जानकारी जो है वो है, जो नहीं है तो नहीं है, ठीक है, जो हमको पता है कि हाँ ये बिल्कुल एक्चुअल है, फैक्चुअल है ना, फैक्ट है, तो ये हम बताते हैं, गुमराह करने वाली या व्यूज बढ़ाने वाली जानकारी हम नहीं देते हैं। आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों की सपोर्ट के लिए हम हैं यहाँ पर, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं है, तो जो बातें हैं सटीक हम इसका हम बिल्कुल प्रमाण के साथ में आपको ये चीज़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कि वैकेंसी आई है, जिसके लिए आप जिसका वीडियो अपन यहाँ पे आप चालू करेंगे, जानकारी आपको देंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं ओम पटलेसर, आप देख रहे हैं ओम पटलेसर 009 यूट्यूब चैनल, और ये काउंसलिंग एंड गवर्नमेंट जॉब संबंधी जितनी भी जानकारियाँ हैं उससे संबंधित चैनल है। तो यहाँ पे एक नया नई वैकेंसी जो है आई हुई है, क्योंकि वैकेंसियों का साल है, चुनावी साल है, वैकेंसियों का साल है, ये बहुत सारी वैकेंसी, जैसे इसके पहले पटवारी की, पुलिस की, और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी जो है आई हुई हैं, और इसी में आगे देखिए, कर्मचारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB भोपाल के द्वारा फिर से एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखन एवं अन्य पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसका परीक्षा का संचालन नियम पुस्तिका पूरी यहाँ पे दी है, आप इस नियम पुस्तिका को यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके जो फॉर्म है, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखन, और इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे पद यहाँ पर हैं, और टोटल 2716 पदों पर भर्ती है, बम्पर वैकेंसी निकली, 2716 पदों पर ये भर्ती होनी है, ठीक है। इसका पूरा विवरण अपन यहाँ पे देखते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन के साथ में, ताकि ऐसी ही जानकारी, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब काउंसलिंग संबंधी जानकारी है, वो आप लोगों को समय समय पर उसका अपडेट जो है मिलता रहे, ठीक है।
तो देखिए, इसमें जो आवेदन भरने की जो तिथि है, आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है 6 मार्च 2023, मतलब मार्च में इसके आवेदन स्टार्ट होंगे, 6 मार्च से, है ना, 6/3/2023, 6 मार्च इसके स्टार्ट होंगे, और 20/3 यानी 20 मार्च 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे, 6 मार्च से 20 मार्च के बीच, अभी नहीं, दिसंबर में नोटिफिकेशन आ चुका है, जनवरी फरवरी मार्च, है ना, 2 महीने बाद ये जो है इसका जो है एग्ज़ाम भरना, एग्ज़ाम डेट जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। अंतिम जो संशोधन की तिथि है वो 25/3 है। परीक्षा का दिन और जो दिनांक है वो शनिवार 5/8/2023 से एग्जाम स्टार्ट होगी, 5/8 मतलब 5 अगस्त 2023, 5 अगस्त 2023 से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट है 6 मार्च से, ठीक है, 6 मार्च से फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम जो होंगे इसके 5 अगस्त 2023 से प्रारंभ होंगे, शनिवार के दिन से, ठीक है। यहाँ पर फीस का विवरण दिया है, अनारक्षित वर्ग के लिए ₹500 है, और जो आरक्षित वर्ग है SC ST OBC निःसक्जन हैंडीकेप्ड हैं उनके लिए ₹250 है, बाकी कुछ और शुल्क लगेगी। जो एग्ज़ाम होगी वो शनिवार 5/8/2023, 5 अगस्त 2023 से दो पाली में, प्रथम और द्वितीय मतलब मॉर्निंग और दोपहर वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सारा विवरण अपन यहाँ पर देखते हैं एक एक करके, ठीक है। ध्यान से आप हमारे साथ बने रहिए। जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है, वीडियो आपको जानकारीपूर्वक लगता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही सभी जानकारी जो है आप लोगों को मिलती रहे। चलिए यहाँ पे मेन बात अपन मेन 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 बात देखेंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा विज्ञापन है, आप इसको जाकर के PEB के साइट पर यानी व्यापम की साइट पर जाकर के देख सकते हैं, पूरे विज्ञापन को, रूल बुक वहाँ पर डली हुई है, ठीक है। हम मेन मेन बातों को यहाँ पर देखते हैं, ऊपर को छूट तो नहीं गया, नहीं, ठीक। तो मेन मेन बात, अर्हताकारी अंक जो है बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किए जाएंगे, ठीक है, जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों, ठीक है, न्यूनतम अंक। तो यहाँ पे देखिए, जो ये है अनारक्षित वर्ग का मतलब जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए पास होने के लिए 100 नंबर का इसमें पेपर है, आगे अपन देखेंगे 100 नंबर का क्या आएगा, 100 नंबर का पेपर है। जनरल वालों के लिए 50% ने 50 नंबर, 100 में से 50 नंबर पास होने के लिए लाना पड़ेगा। SC ST, ठीक है, SC ST OBC हैंडीकेप निःसक्त अभ्यर्थी और EWS के अभ्यर्थी, उनको 10% की छूट है, मतलब पास होने के लिए उनको 40% नंबर लाना है, मतलब 100 नंबर में 40 नंबर लाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 50% नंबर यानी 50 नंबर लाना है, 100 नंबर का पेपर, इसलिए मैं 50 नंबर बोल रहा हूँ जनरल को, और बाकी जो कैटेगरीज है उसको 40 नंबर। कौन कौन से पद है, क्या है, देखिए यहाँ पे समूह 4 के अंतर्गत ये भर्ती है, समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइप पर शीघ्र लेखन अन्य पदों की सीधी व बैकलॉग भर्ती के पद है, तृतीय श्रेणी पद ये आएगा, ठीक है। क्या क्या देखो यहाँ पे पेपर, परीक्षा का आयोजन जो है यहाँ पे देखिए, पेपर देखिए, समूह 4 का एक ही प्रश्न पत्र होगा इसमें, कुल 100 अंक का, और प्रश्न पत्र का विवरण मतलब क्या क्या आएगा, सिलेबस देख लीजिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड जो होता है, रीजनिंग आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित 4 विषय, कंप्यूटर 5वां और सामान्य अभी 6वां, तो ऐसे 6 विषय आपको पूछ जाएंगे, और 100 नंबर का जो है पेपर होगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि जनरल वालों के लिए 50 नंबर 100 में, और OBC SC ST निसर्गजन जो हैंडीकेप्ड हैं और EWS को 40% नंबर यानी 40 नंबर यहाँ पर लाना होगा पास होने के लिए, वही उत्तीर्ण माने जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं, देखो व्यावसायिक अर्हता मतलब शैक्षणिक अर्हता में आते हैं, शैक्षणिक अर्हता में क्या क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पे देखिए मेन बात है, सहायक वर्ग 3 स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्र लेखन, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर जैसे जो पद हैं, न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, पहला क नंबर दिया, अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी यानी 10+2 परीक्षा पास की हो, मतलब 12वीं पास, जो 12वीं पास है वही इस एग्जाम को भर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था या विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा, ठीक है। पहला, किस किस से आपने पास किया है, यहाँ पे क ख ग सब दिया हुआ है, जिन इन इन यदि विश्वविद्यालय या संस्था से यदि आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो वो मान्य होगा, अदरवाइज दूसरे मान्य नहीं होंगे। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा आपने किया हो, UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा किया हो, DOEACC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने डिप्लोमा परीक्षा पास की हो, ठीक है, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट यानी MOM, मोम जो मोम के नाम से होता है, MOM मोम कोर्स किया हो आपने, कहाँ से, पॉलिटेक्निक से, शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा प्रमाण पत्र, कोपा का कोर्स होता है ITI में कंप्यूटर का, वो किया हो, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT और NCVT नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद SCVT मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय कंप्यूटर ने कोपा का डिप्लोमा आपने किया हो,
या उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हताएं मान्य होंगी। उपरोक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से बीई, CSE या IT में आपने किया हो BE, MCA किया हो, BCA किया हो, MSc किया हो, IT में, CS में, BSc किया हो, IT में, CS में, MTech या MCA किया हो, ME किया हो, इत्यादि सब, ठीक है, ये सब मान्य रहेंगे, है ना। नेक्स्ट बात, AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टीप, यहाँ पे तो ये भी चलेगा, है ना, टीप, ये यहाँ पे नोट, एक खास बात ध्यान रखना है, नोट यहाँ पे ध्यान रखना है, BSc या BCom या अन्य BSc, BCom, BA अन्य उपाधियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगा। मतलब जिन जो कंप्यूटर BSc के साथ में एक विषय के रूप में कंप्यूटर किया है, जिनने BA के साथ में एक विषय के रूप में कंप्यूटर किया है, BCom किया है पर एक विषय के रूप में कंप्यूटर आओ केवल एक विषय के रूप में कंप्यूटर है, वो यहाँ पे मान्य नहीं है। पूरा पूरा कंप्यूटर का कोर्स किया है यदि आपने तो वो मान्य होगा, DCA, PGDCA, कोपा, ठीक है, ये सब मान्य है, ठीक है, या स्पेशल आपने कंप्यूटर में ही डिग्री या डिप्लोमा किया है तो वो मान्य है, पर BSc, BCom या BA जो भी अन्य यहाँ पे होता है उनमें केवल एक विषय के रूप में कंप्यूटर रहा हो, केवल एक विषय के रूप, पूरा का पूरा कंप्यूटर विषय नहीं पढ़े हो आपने, केवल एक विषय कंप्यूटर के रूप में पढ़े हो तो वो मान्य नहीं रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, मध्य प्रदेश शासन विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा, मतलब CPCT, है ना, CPCT, हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण हो, ना, CPCT पास होना यहाँ पर जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। और भी इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, और एक बात यहाँ पे और बता दूँ कि CPCT के तीनों विषय में पास होना, तीनों विषय में आप पास हैं या किसी एक विषय में पास हैं, क्योंकि CPCT में तीन विषय होते हैं, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी टाइपिंग भी निकाल रहता है उसमें, इंग्लिश टाइपिंग भी रहता है, कंप्यूटर क्वेश्चन भी रहते हैं, तो उसमें देखो जैसे जैसे जहाँ जहाँ माए, कहीं पर हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है, कहीं पर इंग्लिश टाइपिंग अनिवार्य है, कहीं पर कंप्यूटर अनिवार्य है, तो ये चीज़ें जरूरी नहीं है कि आपने तीनों में पास किया है तो ही भर पाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसे पद हैं जिसमें केवल हिंदी टाइपिंग मांगा है, तो जो हिंदी टाइपिंग पास है CPCT, अंग्रेजी में फेल है, कंप्यूटर में फेल है, वो चल जाएगा CPCT। किसी में अंग्रेजी टाइपिंग है तो हिंदी में यदि फेल है, अंग्रेजी कंप्यूटर में यदि फेल है तो वो अंग्रेजी वाला चल जाएगा, किसी किसी में तीनों पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातों का PEB की वेबसाइट पर, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन आया हुआ है तो मैं इसको पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इसकी पूरी बात अपन नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको जाकर के PEB यानी व्यापम की वेबसाइट पर पूरा डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। नीचे भी किस पद के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, क्लियर क्लियर साफ साफ सब लिखा हुआ है, अपन नीचे उसको देखते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे तो देखो आयु सीमा, आगे चलते हैं, आयु सीमा शीर्ष समझ लें आप, आयु सीमा न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 40 साल है, ठीक है, न्यूनतम कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल की आयु के लोग इसको भर सकते हैं, पर SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग और निगम विभाग निगम मंडल आयोग और स्वशासित संस्थाओं में काम करने वाले होमगार्ड शासकीय सेवक यदि हैं तो उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, मतलब अधिकतम वो 45 साल तक भर सकते हैं। और आयु की जो गणना है, चालू वर्ष की 1 जनवरी, चालू वर्ष की 1 जनवरी का मतलब ये है कि इस साल की 1 जनवरी, अब चालू वर्ष 2022 है, अब ये 2023 से लेते हैं कि 22 से लेते हैं, यहाँ चालू वर्ष बोला है, नोटिफिकेशन जो आयु की सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष, तो भर्ती का चालू वर्ष तो जो है 2023 ही होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन चलो आया है पर भर्ती अभी स्टार्ट नहीं है, भर्ती स्टार्ट होगी 23 से, तो ये चालू वर्ष की जो गणना है आयु 18 वर्ष जो होनी चाहिए आपकी 1 जनवरी 2023 को होना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, अधिकतम आयु की सीमा संबंध में, ठीक है, जानकारी की जाएगी। आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष बोला है तो भर्ती तो 2023 में ही है, नोटिफिकेशन चलो 22 में आया है पर जो भर्ती होना है वो 23 में होना है, तो ये 2023 मतलब 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात और देखते हैं अपन, यहाँ पर आयु सीमा का वही दिया है, मैंने बता दिया आपको, है ना, 18 से 40, SC ST OBC फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं, है ना, तो उनके लिए 5 साल की छूट रहेगी, ठीक है। पास होने के लिए आपको 100 नंबर के पेपर में पास होने के लिए जो है जनरल को 50%, मतलब 50 नंबर, क्योंकि 100 नंबर का पेपर इसलिए 50% 50 नंबर होगा, और बाकी जो रिजर्वेशन वाले हैं SC ST OBC जनरल वाले, ठीक है, उन लोगों को जो है पेपर का मतलब 40% मतलब 40% मतलब 100 नंबर का 40 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा पास होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी है, ठीक है, आप इसको आराम से जो है PEB की वेबसाइट डाउनलोड करके देख सकते हैं। हाँ, आरक्षण देखिए यहाँ पे, तो आरक्षण जो है अनुसूचित जनजाति को 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 16% और आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS उनको 10% का यहाँ पे आरक्षण रहेगा, है ना, रोस्टर लागू रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें और अपन देख लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे नियम, बहुत सारे पदों की परिभाषाएं सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, है ना। आवेदन शुल्क की बात अपन सामने कर लिए थे,
ठीक है, 500 रुपये जनरल की फीस है और बाकी जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए जो है 250 रुपये की फीस है। परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण मंडल के मापदंड अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। अभी से यहाँ पे बताया नहीं गया है परीक्षा केंद्र कौन कौन से रहेंगे, क्योंकि ये फॉर्म भी मार्च से भरे जाएंगे, ठीक है, तो तब तक क्लियर हो जाएगा कौन कौन से आवेदन जो है सॉरी परीक्षा केंद्र यहाँ पे रहेंगे, तो अभी क्लियर नहीं किया है ना। मूल निवासी होना चाहिए, भारत का मूल निवासी होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए तो ये आ गया, सीधी भर्ती बैकलॉग, संविदा भर्ती, रिक्त पदों की पूरी जानकारी यहाँ पे दी है, देख पा रहे हो आप, 2716 पदों पर भर्ती है, 2716 पद, ठीक है। सीधी भर्ती बैकलॉग, संविदा भर्ती बैकलॉग के यहाँ पे पद दिए हुए हैं सारे, यहाँ पे जनरल, EWS है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, टोटल जो पद है वो 2716 पद है। जनरल के जो टोटल पद है 595 है, EWS के 200, सभी तरह के टोटल जितने भी पद हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के हैं है ना, स्टेनोग्राफर के हैं है ना, जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर जितने भी पद हैं सब मिला करके 2716 बम्पर भर्ती निकली, 2716 पोस्ट पर। EWS के यहाँ पे 224 पोस्ट है ना। एस सी की जो है 420 है, ST की जो है 895 है, OBC के 585 है, ऐसे टोटल मिला करके जो है 2716 सीटों पर यहाँ पे भर्ती होना है, ठीक है। इनका साथ अच्छा, कौन कौन से पद हैं, किन किन पदों पर भर्ती होना है और कौन किस किस में कहाँ कहाँ कौन से पद है, सारे यहाँ पे दिया है। देखो कौन कौन से पद हैं, अपन पद देख लेते हैं, मतलब किन किन पदों पर किन किन पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। निज सहायक, शीघ्र लेखन, स्टोनोग्राफर, हिंदी अंग्रेजी, सहायक वर्ग ग्रेड 3, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, क्लर्क व अन्य समकक्ष पदों पर भी भर्ती होना है। स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक, आउटरीच कार्यकर्ता, उद्यान पर्यवेक्षक, उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, एनिमल फीडर, ठीक है, कंपाउंडर, ग्रंथपाल, निम्न श्रेणी वेतन, ठीक है, तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक, प्लम्बर, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, सहायक फोटो अधिकारी, फोटोकॉल शिक्षक, बागवानी निदेशक, म्यूजियम कीपर, म्यूजियम सहायक, लेखापाल और सहायक राजस्व निरीक्षक, यानी 18 पदों पर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 18 पदों पर टोटल 2716 पदों पर भर्ती होना है। 18 पद हैं, मतलब 18 प्रकार के पदों पर भर्ती होना है। टोटल जो पोस्ट है, जो टोटल जो सीट है वो कितनी है, 2760 सीट है, ठीक है। इसका पूरा विवरण आपको नीचे मिल जाएगा, देखो यहाँ पे पूरे पद दिए हैं, किस किस विभाग के अंदर कौन कौन से पद है, कितनी कितनी पोस्ट है, कार्यपालिका है, अकार्यपालिका है, सारा विवरण यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है, किस किस विभाग के अंदर कितनी कितनी पोस्ट है, कौन कौन से पद है, ये देखो लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसको आप PEB की वेबसाइट पर जाकर के है ना देख सकते हैं, www.peb.com.in ऐसा कुछ करके है ना, इस पर या व्यापम आप डाल दीजिए, PEB डाल देंगे, व्यापम डाल देंगे तो ही खुल जाता है। फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है उसी पर आप क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे तो हिंदी या इंग्लिश पूछेगा, हिंदी इंग्लिश में से कोई पर भी आप हिंदी में इंग्लिश में क्लिक कर देंगे तो आपको सबसे ऊपर ही आपको जो है ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके रूल बुक में जाकर के आप इसको ओपन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप पूरा इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखो मेन मेन बात यहाँ पे आते हैं, विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिका यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। सभी पद अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, पद कोट 1, सीधी भर्ती, सहायक ग्रेड 3, कुल पद 37 है, अकार्यपालिक है, ठीक है। किस किस कैटेगरी के कितनी कितनी पोस्ट है, टोटल पोस्ट क्या है, और सबसे बड़ी बात अच्छी बात यहाँ पे कि वेतनमान क्या क्या है, उसकी शैक्षणिक योग्यता सब कुछ यहाँ पे पूरा सब पोस्ट के लिए अलग अलग पूरा पूरा दिया है, आप यहाँ से डिटेल आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक पद 18 पदों के लिए डिटेल बता नहीं सकता हूँ, लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो, और आप वैसे भी देखते नहीं है बहुत लंबा वीडियो है ना, स्किप करके देखते हैं, तो जानकारी जो है पूरी लीजिएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि PEB की वेबसाइट पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं, अपनी आवश्यकता जो आपके पद है, जो आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो शैक्षणिक योग्यता भी, जैसे यहाँ पे सीधी भर्ती सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से हायर सेकेंडरी यानी 12वीं होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, DCA, PGDCA, कोपा, ठीक है, ऐसा कुछ। मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र CPCT, हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। देखो यहाँ पे देखो मैंने जो बोला था आपको CPCT वाला, CPCT हिंदी के साथ अनिवार्य है, मतलब हिंदी वाला चल जाएगा इसमें, ठीक है, हिंदी वाला। यदि यदि कोई CPCT जिसने एग्जाम दिया है पर वो हिंदी में पास है परंतु वो अंग्रेजी और कंप्यूटर में पास नहीं है तो उसका CPCT यहाँ पे मान्य होगा, हिंदी टाइपिंग के साथ है ना उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखते हैं अपन स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, देखो तो यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी में कितने कितने पद है, 28 पद कुल है, कार्यपालिक पद है, स्टेनोटाइपिस्ट का पद है ये, पेमेंट मान यहाँ पे दिया हुआ है 19,500 से 62,000 रुपये, और शैक्षणिक योग्यता देखिए 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, 1 साल का डिप्लोमा आपने कंप्यूटर डिप्लोमा का हिस्से भी किया हो, और मध्य प्रदेश शासन CPCT हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग के साथ। और क्या बोला, मान्यता प्राप्त संस्था यानी परिषद से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन,
परीक्षा उत्तीर्ण की हो, हिंदी शीघ्र लेखन, हिंदी टाइपिंग जो है वो पास होना चाहिए, और हिंदी शीघ्र लेखन मतलब हिंदी में स्टोनो, शीघ्र लेखन का मतलब स्टोनो होता है, हिंदी स्टोनो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपने पास की हो तो वो स्टोनो वाला पद को, स्टोनो टाइपिस्ट वाले पद को भर सकता है। ठीक है, शीघ्र लेखन वर्ग 3, देखो इसमें यहाँ पे कैटेगरी वाइज पद दे दिया है, 3 पद इसमें है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, तो 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास अनिवार्य है, 12वीं पास के ऊपर वाला इसको भर सकता है, नीचे वाला नहीं भर सकता है ना। वैसे भी जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं और जो भी सीपीसीटी के कोर्स हैं और जो भी कंप्यूटर के कोर्स हैं वो 12वीं के बाद ही होते हैं, तो 12वीं यहाँ पे कंपलसरी है। और उसके बाद न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कौन कौन से विश्वविद्यालय से क्या है वो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन विज्ञान सीपीसीटी यानी सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, और 100 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, उसमें 80 शब्द था इसके पहले वाले में, और इसमें शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट है, इसमें 80 था। तो ये सारी बातें जो है इसमें सारे पदों की, सहायक ग्रेड 3 के लिए सारे पदों के लिए बैकलाग है, सीधी भर्ती है, संविदा भर्ती है, सबका डिटेल यहाँ पे पूरा दिया हुआ है आप लोगों को। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो आप पद के लिए मतलब अपेयर हैं यानी अपेयर कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं, उसकी सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखिए सब कुछ दिया हुआ है, सीधी भर्ती ग्रेड 3, ठीक है, शीघ्र लेखन ग्रेड 3, ठीक है, यहाँ पे कितने कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से पद हैं, है ना, उनका पेमेंट मान क्या है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में अलग अलग दिया हुआ है ना। तो इस तरह से जो है आप ये देख सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी, बहुत लंबा ये पेज है, देखो अभी पेज नंबर 30 चल रहा है, अभी बहुत सारे पेज इसमें और नीचे हैं। तो प्रमुख प्रमुख बात यह है कि इसका जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ गया है। ठीक है, एग्ज़ाम जो होना है इसका, जो फॉर्म फॉर्म स्टार्ट जो होंगे वो 6 मार्च से स्टार्ट होंगे, 20 मार्च तक, 6 मार्च से 20 मार्च के, मार्च 2023 के बीच में भरे जाएंगे। इसका जो एग्ज़ाम है वो 5-8 मतलब 5 अगस्त 2023 से स्टार्ट होंगे, और कितने दिन चलेंगे वो तो आपको कितने फॉर्म भरेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, परीक्षा सर अभी यहाँ पे नहीं दिए हैं, परीक्षा सर जनरली जो मेन मेन 9-10 परीक्षा सर वो तो रहेंगे रहेंगे, हो सकता है इसमें से कुछ कम या बढ़ा भी सकते हैं वो आवश्यकता अनुसार। ठीक है, वो बाद में आपको पता चल जाएगा। और बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कंपटीशन उन्हीं लोगों में है जिनका सीपीसीटी है, ठीक है, जिनने 12th पास कर लिया है, जिनका कंप्यूटर डिप्लोमा है, सबके सब इसको नहीं भर सकते हैं क्योंकि 12वीं के बाद ये कॉमन एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेशल एग्ज़ाम है। ठीक है ना, तो इसमें 12वीं के बाद जिन लोगों ने कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ, जिनका सीपीसीटी है ना, वही इसको भर सकते हैं, तो लिमिटेड लोग इसको भरेंगे। और बहुत अच्छा टाइम आपको लगभग लगभग 8 महीने का जो लगभग लगभग टाइम मिल जा रहा है, ठीक है, इसको तैयारी करने के लिए, जिन लोगों का कंप्यूटर डिप्लोमा है, जिन लोगों का टाइपिंग पास है, जिन लोग सीपीसीटी कर चुके हैं या नहीं किए हैं, तो अभी 2-3 महीने में सीपीसीटी एग्जाम होते रहता है, दे दीजिए, ठीक है, कर लीजिए। और इसका स्टोनो है वो स्टोनो की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम ना यहाँ पर एग्ज़ाम जो होगा वो 100 नंबर का होगा, एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें आपको टाइपिंग या सीपीसीटी करके दिखाना नहीं है, जो एग्ज़ाम होगा उसमें हिंदी अंग्रेजी है ना, गणित सामान्य ज्ञान आएगा, ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चंस आएंगे, मैंने 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 6 विषय है, तो हो सकता है कि 15-15 करके या 20-20 करके क्वेश्चंस आप लोग, SC ST OBC जनरल EWS और फिजिकल हैंडीकेप्ड वालों के लिए वो 40% है, मतलब 100 नंबर में 40 नंबर आपको लाना है, अधिकतम मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा, पर पास होने का जो क्राइटेरिया है वो 40 नंबर है, जनरल के लिए 50 नंबर है। ठीक है, जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहेगा मतलब मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो तो अधिकतम नंबर पर बनती है, वो तो आप लोग वैसे भी जानते हैं। ठीक है, पर पास होने का जो क्राइटेरिया है वो 50 और 40% है, यानी 40 के नीचे जो नंबर लाएंगे जनरल को छोड़कर रिजर्वेशन कैटेगरी वाले वो पास नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और 50 के नीचे जाने वाले जनरल वाले पास नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको PEB की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तैयारी कीजिए, गुड लक, थैंक यू।